हैं। आशीष आपके कमेंट्स, वोकहार्ट, नैटको फार्मा, कोई स्टॉक, सन फार्मा इनफैक्ट, कोई स्टॉक जो आज इंट्राडे बेसिस पे मूव अभी और एक्सटेंड हो सकता है जिसमें? इन तीनों में से मैं वोकहार्ट अभी रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। सन फार्मा, यहाँ पे सन फार्मा के ऊपर मैं कमेंट करना चाहूंगा। सन फार्मा ने एक अच्छे पैटर्न को ब्रेकआउट दिया हुआ है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है, एक ही कंसर्न है मेरा कि वॉल्यूम उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये स्टॉक, हम एक पर्टिकुलर लेवल है जो है 826 रुपए का, उसके ऊपर अगर टिकता हुआ नजर आता है तो यहां से एक अच्छा मोमेंटम आने की स्टॉक में संभावना है, जो इस स्टॉक को करीबन 870 के लेवल तक लेके जा सकता है। इंट्राडे के तौर पर थोड़ा छोटा, इतना छोटा नजरिया मैं नहीं देना चाहूंगा, लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड हो सकता है 826 के ऊपर। जी अभी एनआईटी टेक का जिक्र किया था आशीष रजत ने, लेकिन उसके अलावा मिड कैप आईटी में कुछ और भी स्टॉक्स जो अच्छी ट्रेंड दिखा रही, जिनमें पर्सिस्टेंट सिस्टम है, इंटेलेक्ट डिजाइन है, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है यहाँ पर आपकी? नहीं, इन आईटी सेक्टर के लिए मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अभी नहीं बनाना चाहूंगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में सिर्फ एक स्टॉक जो है जो मैं यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगा वो होगा माइंडट्री, क्योंकि माइंडट्री इतने मार्केट में जिस तरह से फॉल आया है उसमें भी उसमें इतना नीचे नहीं आया है, वो एक अच्छा कंसोलिडेशन बनाते हुए अपने लेवल्स को पकड़ा हुआ नजर आता हुआ है ये स्टॉक। तो यहाँ पे माइंडट्री में हम एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं, जिसके लिए हम 1525 का टारगेट बना के ले सकते